60 दिन हो चुके हैं, 70 दिन हो चुके, जदों तो पोर्टल जारी होया है उदों तो पोर्टल सही तरह वर्क नहीं कर पा रहा। एक गल थोड़े नाल ऐड करना चाहूँगा जी, आम जनता तो रिलेटिड है, वो ये है कि 31 दिन 2021 की रिटर्न ना जान करके आम जनता ने अज जे किसी ने हाउसिंग लोन लेना है तो बैंक 3 साल दी रिटर्न मिलता है, पर जे किसी के कोल 3 साल की रिटर्न या लेटैसट रिटर्न अगर अवेलेबल नहीं है तो उस करके उन्हें बहुत वड्डी परेशानी आ रही है। ये आम जनता की परेशानी है। अज मीडिया के नाल भी की हो रहा, मीडिया भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, मीडिया के उत्ते भी कितने ना कितने बहुत वड्डी आँच आ रही है। पुराने पोर्टल दे विच असी पिछले 12-15-18 साल तो काम कर रहे थे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बड़े आराम नाल काम हो रहा है, बड़ा वधिया काम हो रहा है। जिस ढंग नाल ये पोर्टल बनाया गया है, अगर उस ढंग नाल ये पोर्टल काम करता है वो प्रोफेशनल्स के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। लेकिन कदों होएगा सवाल तो ये है, जिहड़ा कि 7 जून नूं लागू हो जाना सी, अज असी 15 जुलाई से खड़े हैं, 1.5 महीना बीत गया और 31 जुलाई लास्ट डेट है रिटर्न भरन की, और उस तो बाद जो बंदा मान लो तुम अब 31 जुलाई की रिटर्न भरनी है, तुम्हारा 5000 रुपये टैक्स बनता है और तुम्हारी रिटर्न अगर 31 जुलाई तो बाद जाती है तो थानू 18% ब्याज देना पड़ेगा। कि उन्होंने जो नवा पोर्टल लॉन्च किया है, पहली गल तो पुराना पोर्टल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सरकार को चाहिए सगा कि नवा पोर्टल बना दे, प्रॉपर तरीके टैसट कर दे, तो पुराना चली जाते थे, जो प्रॉपर उन्होंने यकीन हो जाता कि बिल्कुल ठीक हैगा उस तो बाद जरा नवा लॉन्च करते ताकि लोगों को दिक्कत ना आती। हूँ तुम परसों चौथ तक यह हो रहा है करके 26 फॉर्म है जो टैक्स का फॉर्म है वो इंडिविजुअल का निकलता पाया जी, जरा कोई फर्म हैगी है कोई HUF हैगी निकलता ही नहीं, उन्होंने इन्फोसिस वाले दसिया जी करके फिर उन्होंने उस गलती ठीक की जी। असी यह जी बेशुमार गलतियां है जिन्हें चलदिया पी हैं, जब तक वो सही नहीं करेंगे तो काम कितना करेंगे जी, ना कोई तुसी नोटिस का जवाब दे सकते हो, ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म ला सकते हो, जे नहीं लगाने तो टाइम पायरिंग पेनल्टी SSC को लगती है जी, SSC को पेनल्टी लगती है, SSC साढ़े को लाके चीका मारता जी तुसी काम नहीं किया जी। अज एक निजी होटल भी डिस्ट्रिक्ट इनकम टैक्स बार एसोसीएशन वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच टैक्स के नवे पोर्टल के डिले नूं लैके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चर्चा की, उन्हां नूं की कमियां नवे पोर्टल च आ रही हैं उस बारे दस्या। जिदा कि तुसी सुनिया कि चार्टर अकाउंटेंट नूं परेशानियां आ रही हैं, तो उन्हां दा कहना है कि पुराने पोर्टल च इन्नी दिक्कतां नहीं आ रही सी, पर हुण ये देखना है कि सरकार इस नूं ठीक करन च की कदम चकती है, तो आने वाले समय च इह परेशानियां दा सामना ना करना पवे इस बारे वह की करती है। हाँ जी, मैं अज इत्थे तुहाडे चैनल दे द्वारा CA राजीव शर्मा जिहड़ा कि इस एसोसीएशन दा वाइस प्रधान है, मेरे नाल खड़े ने CA रविकांत गुप्ता जी जिहड़े 71 ने, साडी डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसीएशन जिहड़ी 1991 दे विच स्थापित हुई सी, साडा पूरा फर्ज बनता है कि असी जिहड़े अपने मैंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एडवोकेट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स ने उन्हां नूं आने वाली समस्यावां नूं असी अगे अधिकारियों तक और मिनिस्ट्रीज तक पहुँचाइए। अज्ज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस दा साडा जिहड़ा मुख मुद्दा यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक इनकम टैक्स का नवा पोर्टल जारी किया गया है, पर वो पोर्टल काम नहीं कर रहा। उस पोर्टल के काम ना करन नाल ना तो असी अपनियां रिटर्न भर रहे हैं, SSCs दियां भर पा रहे हैं, ना ही सानू पुरानी रिटर्न के रिफंड आ पा रहे हैं, जे सानू कोई इनकम टैक्स तो नोटिस आता है असी उसका जवाब फाइल नहीं कर पा रहे, असी कोई अपील फाइल नहीं कर पा रहे, जेडे असी पहला जवाब फाइल किए ने वो साडे पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे, जे कोई पासवर्ड अपना रीसैट करना चाहता है तो वो पासवर्ड रीसैट नहीं हो पा रहा। तो मैं तुम्हें एक गल दसागा कि मुख्य मुद्दा यह है कि असी अपनी प्रैक्टिस के इनकम टैक्स के मुतालिक तकरीबन कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हुण जरूरत यह है कि करदाता जिन्हां नूं समस्यावां आ रही ने, जे कोई रिटर्न ही भरेगा तो वह फॉरन के स्टडी वीज़े पर जाना चाहता है तो बिना रिटर्न भरन तो नहीं जा सकता, अपना बैंक लोन अप्लाई नहीं कर सकता, और सरकार की जिहड़ी टैक्स कलैक्शन है जिहड़ी हर मंथ प्रॉपर होनी चाहिए है वह नहीं हो पा रही, जिन्हां नूं TDS के रिफंड आने ने अपने इनकम टैक्स के वह नहीं आ पा रहे, तो पूरा एक सिस्टम साडा हिलिया पिया। तो साडी कोशिश यह है, असीं इत्थे मानयोग अधिकारी साहब नाल भी गल की, असी हुण अपना एक मैमोरेंडम मानयोग चीफ कमिश्नर साहब के थ्रू और डायरैक्ट भी अपने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी नूं और मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाने की कोशिश करांगे। उत्थे सानूं पूरी उम्मीद है कि तुहाडे मीडिया के सहयोग नाल और साडे प्रयासों के नाल साडियां समस्यावां दा हल होएगा, पोर्टल की वर्किंग जल्दी तो जल्दी ठीक करनी यकीनी बनाई जाएगी। पोर्टल की दिक्कत यह शुरू तो ही आ रही है, अज मेरे ख्याल 60 दिन हो चुके हैं, 70 दिन हो चुके, जदों तो पोर्टल जारी होया है उदों तो पोर्टल सही तरह वर्क नहीं कर पा रहा। मैं तुहानूं इत्थे दसागा कि मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने
सीए विशाल गर्ग वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले दे विच कहा सी कि 1-4 जदों भी नवें साल की आती है जिवें कि इस साल की 1-4 2021 आई है उस दी पहली तरीक नूं सारे इलैक्ट्रॉनिक फार्मां दा स्कीमा जारी कर दिता जावे पर हले तक ITR 2, 3, 4, 5, 7 दा स्कीमा भी जारी नहीं होया। सरकार ने कानून बनाया कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दी रजिस्ट्रेशन नवें सिरे तो कराई जावे उह फार्म नहीं भरे जा रहे। जे मैं चाहना कि मेरा TDS घट कटिया जाए वो 195 सैक्शन 197 सैक्शन के एप्लीकेशन लगती है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं हो पा रही और इतने तक कि जिहड़ियां मेरियां पहलां दे जवाब दायर किए हुए हैं वो भी पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे। ये सारिया समस्यावान नाल दो काम नुकसान हो रहे हैं। एक तो असी अपनी टैक्स की कंप्लायंस नहीं कर पा रहे जिहड़ियां मैं रूटीन के रिटर्न फाइल करनिया ने मेरा रिफंड आना एक जी मेरी जरूरी है मेरे वालों जिदा 148 सैक्शन के अंदर एक नोटिस आंदा है जवाब के एक निश्चित समय के मैं रिटर्न भरनी पैंती है। नोटिस तो आ जाता है पर वह नोटिस बाई पोस्ट आ गया पर मैं वो जवाब के जी अपनी रिटर्न दाखिल करना चाहता वो रिटर्न दाखिल भी नहीं कर पा रहा और रिटर्न दाखिल करने की निश्चित मिति निकली जा रही है तो सानू डर है कि कल ये केस जो कल रिटर्न ना दाखिल करने के नाल कोई कानूनी प्रक्रिया के करदाता ज़्यादा ना फस जाए इसलिए साड़ी गुजारिश है कि जल्दी तो जल्दी यह पोर्टल दी समस्यावां तकनीकी समस्यावां ठीक किया जाए। ये सारिया समस्यावां तकनीकी स्तर पर ने। बिल्कुल जी बिल्कुल जी असी पहला भी असी मेमोरेंडम साडे अलग अलग एसोसीएशन ने दिते अज भी साडे कोल डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसीएशन इनडायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट एसोसीएशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सारे दे नुमाइंदे साडे नाल खड़े ने और पिछे जे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी मानयोग केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने भी एक TCS नूं जारी ट्वीट करके कहा कि इन्हों समस्यावां जल्दी दूर किया जाए पर उस तो बाद भी मेरे ख्याल 29 दिन बीत चुके हैं हाले तक उस समस्यावां का हल नहीं होया। पर सानू पूरा गर्व है तुहाडे लोकां ते मीडिया ते पब्लिक भी साडे साथ है एसोसीएशन ट्रेड भी साडे नाल है ते इह जल्दी तो जल्दी समस्यावां का हल होएगा क्योंकि जे नहीं होएगा तो समस्यावां वध जांदियां ने जे असीं एक चीज़ नूं अज ठीक नहीं करदे तां कल नूं वध जांदी है। मैं अपनी कुल रिटर्न जिहड़ियां इनकम टैक्स दीआं ने मैं किन्नी तरीक तक भर पावांगा कुल ऑडिट कदों कर पावांगा करदाता कदों तक समस्या दे विच ग्रस्त रहेगा और कल नूं नोटिसिज वधणगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लई जरूरी है कि असी टेक्नीक नूं बहुत ठीक रखिए अपने पोर्टल नूं फटाफट ठीक किया जाए। मैं इत्थे एक गल तुहाडे नाल ऐड करना चाहूँगा जिहड़ी आम जनता तो रिलेटिड है वो ये है कि 31/3/2021 की रिटर्न ना जान करके आम जनता ने अज जे किसी ने हाउसिंग लोन लेना है तो बैंक 3 साल दी रिटर्न मंगता है अगर वो 2 साल दी रिटर्न है तो 3 साल की रिटर्न नहीं भर पाता तो जे उन्हें ऑलरेडी किसी मकान को खरीदने का बयान किया है तो बैंक तो जो उन्होंने लोन ना मिलिया तो उसका बयाना भी किसी वक्त मर सकता है। इस तरह किसी ने कोई कार खरीदनी है इस तरह किसी ने कोई होर अपनी लिमिट लेनी है इस तरह किसी ने बाहर विदेश जाना है तो उसके लिए 3 साल की रिटर्न सारे डिपार्टमेंट मंगते हैं पर जे किसी के कोल 3 साल की रिटर्न या लेटेस्ट रिटर्न अगर अवेलेबल नहीं है तो उस करके उन्हें बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। ये आम जनता की परेशानी है और असी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने 30-40-50-50 साल हो गए अगर साढ़े को पोर्टल नहीं चल पा रहा तो जो सरकार का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ईज़ ऑफ डूइंग वर्क का जो नारा है वो नारा पूरी तरह फेल है। बहुत धन्यवाद। वो सिर्फ जुमलेबाजी है जी साड़ी तो सरकार ने मैनू ये लगता है कि हुण तो सरकार ऑफिशियली आप ही एग्री कर गई कि जी बहुत सारे जुमले है जिहड़े कि बोले जाते हैं जिहड़े माइक ते बोले जाते हैं मीडिया लई बोले जाते हैं जनता दे लई बोले जाते हैं वोटां दे लई बोले जाते हैं विदेशों नूं सुनाण लई बोले जाते हैं कि जिदा काले तन का जुमला सीगा या 15 लाख का जुमला सीगा होर मैं किन्ने जुमले गिनावां वो सारे जुमले ये उस तरह ये ईज़ ऑफ डूइंग वर्क ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस देश दे विच एक बहुत वड्डा जुमला जिदा कि मैं अपने जो मैं प्रोग्राम शुरू किया सीगा मैं थानू कहा कि मीडिया जिहड़ा हैगा वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का मीडिया तो बिना यह डेमोक्रेसी नहीं चल सकती पर तुसी सारे जानू हो कि अज मीडिया के नाल भी की हो रहा मीडिया भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है मीडिया के उत्ते भी कितने ना कितने बहुत वड्डी एक आँच आ रही है मीडिया भी अंडर डिस्ट्रेस है तो ये कोई अच्छा नहीं हो रहा इन्हों कुछ भी कुछ शुरू करने तो पहला घट्टो घट सलाह लीती जा सकती है एक्सपर्ट ओपीनियन लिता जा सकता है लोगों के कोलों गाइडेंस लीती जा सकती है कि किया जाए जिदा बड़ा सौखा तरीका सीगा जदों इन्होंने बैंक मर्ज किए मान लो 3 बैंक मर्ज किए एक बैंक की साइट के उत्ते 3 बैंकों की साइट पा दी तुम जिहड़े बैंक के कस्टमर सके पुराने दे उत्ते क्लिक करो कि अपना काम कर लो। सिमिलरली अगर इन्होंने इनकम टैक्स का नवा पोर्टल लैके भी आना सीगा बड़ा सौखा तरीका सीगा नवा पोर्टल लॉन्च कर देंदे उहदे विच ही पुराने पोर्टल का लिंक पा देंदे भी जदों तक नवा पोर्टल पूरी तरह काम नहीं करता उदों तक तुसीं पुराने पोर्टल के थ्रू काम करी जाओ
जिस दिन नवा पोर्टल कम कर देगा वो सारा डाटा उधर ट्रांसफर हो जाएगा। सर पुराने पोर्टल खामियां थी, पुराने पोर्टल दे विच असी पिछले 12 15 18 साल तो काम कर रहे थे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बड़े आराम नाल काम हो रहा था, बड़ा वधिया काम हो रहा था। इहदे च कोई शक नहीं कि भारत सरकार ने जिहड़ा नवा पोर्टल लैके आ रहे हैं, नवे पोर्टल दे विच एक कुछ नवीं चीज़ां लैके आ रहे हैं, कुछ नवी इनफॉर्मेशन लैके आ रहे हैं, ये सारा कुछ लिंक कर रहे हैं, बैंकों नूं लिंक कर रहे हैं, आधार कार्ड नूं पैन कार्ड नूं सारे लिंक कर रहे हैं, तां कि जिथे भी किसी बंदे दी कोई ट्रांजैक्शन होएगी वो सारी ट्रांजैक्शन इक्को जगह भुलेगी। ये कोई शक नहीं कि भारत सरकार की जिहड़ी प्लैनिंग है, भारत सरकार जो नया पोर्टल लैके आ रही है, वो आने वाले टाइम से अगर जिस ढंग नाल ये पोर्टल बनाया गया है, अगर उस ढंग नाल ये पोर्टल काम करता है, वो प्रोफेशनल्स के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। लेकिन कदों होएगा सवाल तो ये है, जिहड़ा कि 7 जून नूं लागू हो जाना सी, अज असीं 15 जुलाई से खड़े हैं, 1.5 महीना बीत गया और 31 जुलाई लास्ट डेट है रिटर्न भरन की, और उस तो बाद जो बंदा मान लो तुम अज 31 जुलाई की रिटर्न भरनी है, थोड़ा 5000 रुपये टैक्स बनता है और थोड़ी रिटर्न अगर 31 जुलाई तो बाद जाती है तो थानू 18% ब्याज देना पड़ेगा, और वो ब्याज माफ़ करने की अजे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि अगर तुम 31 जुलाई तो बाद रिटर्न भरते हो तो ब्याज भी माफ़ हो जाएगा, इदा तो कुछ नहीं होया। हाँ जी जल्दबाजी से लॉन्च किया गया, पूरी कार्रवाई नहीं की गई, जिदा कि होर भी अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता कि जेडे पहला भी कोई कई यह डिसीजन लिते गए हैं कि जिन्हें वक्त जो उन्होंने लागू किया गया उन्होंने लागू करने तो पहला होमवर्क नहीं किया गया, उन्होंने अगर पहला लागू करने तो पहला होमवर्क किया जाए, जिदा कि मैं पहला भी कह रहा कि प्रोफेसनल तो हैल्प ले लो, असी प्रोफेसनल हर वक्त सरकार के नाल खड़े हैं, मोढ़े ना मोढ़ा लगा के खड़े हैं, असं डिपार्टमेंट वाले साढ़े को किसी चीज़ के बारे कोई हैल्प मंगते हैं, साढ़े को गाइडेंस मंगते हैं, असं हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि साढ़ा तो काम ही है, असं करना ही है, और एक एक प्रोफेसनल जिहड़े ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एडवोकेट है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, असी सारे जनता तो डिपार्टमेंट तो सरकार के विच दी कड़ी है, जो उन्हां दी प्रॉब्लम्स असी उत्थे उत्थे पहुँचानी है। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हाँ जी सर, अज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसीएशन डायरेक्ट टैक्सेस लुधियाना वालों आयोजित की गई सी, 1981 तो पिछले 40 वर्षों तो सेवा विच हैगा, तो इहदा मेन मंतव यही सी कि जिहड़ा सरकार ने नवा इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया वो प्रॉपर चंगी तरह काम नहीं कर पा रहा, उहदियां जिहड़ियां सर्विसेज ने वो ना प्रोफेसनल्स नूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नूं एडवोकेट्स नूं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स नूं नहीं मिल पा रही, तो असैसी नूं भी नहीं मिल पा रही, कोई भी काम उहदे ते प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, मेजोरिटी ऑफ द फील्ड्स उहदे विच काम नहीं कर रही। थैंक यू जी। हाँ जी बोल जी, सर अपना नाम? मैं राजेश कपूर, चेयरमैन लुधियाना ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का हैगा, तो अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है यदा मुद्दा यह सगा कि सरकार ने अपनी आवाज़ पहुँचाना कि उन्होंने जरा नवा पोर्टल लॉन्च किया है, पहली गल तो पुराना पोर्टल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सरकार को चाहिए सगा कि नवा पोर्टल बना दे प्रॉपर तरीके टैसट कर दे, तो पुराना चली जाते थे जो प्रॉपर उन्होंने यकीन हो जाता कि बिल्कुल ठीक हैगा, उस तो बाद जरा नवा लॉन्च कर दे ताकि लोगों को दिक्कत ना आती। पोर्टल के अंदर प्रॉब्लम्स की आ रही हैं? पोर्टल के अंदर प्रॉब्लम तो आ रही है जो 2-4 दसीए, ना रिटर्न फाइल हो रही है, ना रिफंड फाइल हो रही है, जो कोई रिटर्न निकलती बहुत मुशक्कत के बाद फाइल हो भी जाती है, वो रसीद नहीं जनरेट हो रही हैगी, 90% तो सीए मान लो जो भी आप इनकम टैक्स का काम करते हैं पोर्टल से, हूँ सर इनकम टैक्स का तकरीबन सारा काम 100% ऑनलाइन ही है, 90% फैसिलिटी उन्होंने चल नहीं रही है, जी चीज़ है उन्होंने कुछ एक दिन लिए बंद किया पोर्टल कि भी असं नवा बना लिया लॉन्च किया, हूँ वो प्रॉब्लम यह है कि भी असं सारा सारा दिन बैठे रहने हैं, किन्ने फॉर्म्स हैं जो फाइल होने होंगे नहीं, और जो कि चलते काम में जिदा हूँ 15 CACB उन्होंने कहा 15 CACB फॉर्म फाइल करना होंगे ऑनलाइन नहीं फाइल हो रहा, चलो वो उन्होंने मैनुअल जी है तरीका कर दिता इनू मैनुअल फाइल कर दो, कई बैंक्स एक्सैप्ट नहीं करते पे, उसके अलावा होर कई फॉर्म्स ने जो फाइल करने होंगे जो फाइल ही नहीं हो पा रहे, उत्थे तक सब का काम रुकया होया है, ये रीज़न आ रही है, रिटर्न फाइल करने वास्ते जिद दिन बहना पैंदा, अच्छा फिर ये भी नहीं पता जो इतों आप फाइल करते हैं वो बैकएंड जिहड़े इन्हां दे पोर्टल है उत्थे प्रॉपर तरीके दा इनफॉर्मेशन राइट पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, जे लोगों ने रिटर्न फाइल कर दित्तियां सी हुण उन्हां नूं दोबारा फाइल करनियां पैणगियां, जे इहदे नाल सारा तुसीं इह देखो कि भी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेसनल्स एडवोकेट्स उन्हां दा टाइम वेस्टेज किन्नी हो रही हैगी आ, मतलब सानू दिन दे दिन हफ्ते दे हफ्ते हो गए पोर्टल दे नाल मत्था मार दे, पर सारा जो टाइम वेस्टेज है जिम्मेवारी सरकार लैंदी है बिल्कुल नहीं लेगी, चीज़ है हूँ ये पोर्टल हजे अगे भी नहीं पता किन्नी देर तक चलना है,
चलो ये तो मेरे सारे भरावों ने दस दी प्रॉब्लम सानू की हो रही हैं तो इस करके मैं रिपीट नहीं करता हूँ अगे का की होने वाला है अगे तुम देखो साढ़े तकरीबन 40-50% जो प्रोफेसनल चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट से रह गए ने वो अबव 60 या 65 होंगे तेरी चीज़ें हुण सरकार ने इनू टाइम भी नहीं देना रिटर्न फाइल करने वास्ते जदों इन्हां दा पोर्टल 15 दिन महीना या 1.5 महीने बाद लॉन्च हो गया टोटल इन्हां ने एकदम डेट कर देनी हुण 3-9 तक की डेट की पर वो बड़ी घट हैगी है कि भी रिटर्न फाइल करने वास्ते नवा पोर्टल रिटर्न फाइल करांगे उन्हूं समझना भी हैगा जिहड़े साडे स्टूडेंट्स ने उन्होंने भी समझना हैगा फाइल करनी है हुण 70 साल 75 साल 80 साल का बंदा जिहड़ा हैगा वो रात के 2-2 बजे तक बैठ के रिटर्न फाइल करेगा दसो कितना मेंटल स्ट्रैस होएगा उन्हूं ते विच गलती भी हो सकती है हुण सरकार कोई गलती करे उहदी तां जिम्मेवारी कोई लैंदा नहीं जे क्लाइंट की कोई गलती हो जाए ना ही उहनूं पेनल्टी है टैक्स प्रोफेशनल तो कोई गलती हो जाए ना ही उहदे अगेंस्ट एक्शन हैगा ये मतलब ये मीटिंग का परपस ये सीगा कि भी सरकार थोड़ी साडी प्रॉब्लम समझे प्लस एक अपील है जो लोकल बिजनेसमैन है जो कॉमन मैन है जिन्हां दी असीं रिटर्न फाइल करते हैं कि हमेशा थोड़े बिहाफ से असी ही आवाज़ चुकते हैं तुम भी साढ़े नाल रलो सरकार सानू जदों भी असी कोई इदा प्रश्न रेज करते सरकार कहती है उन्होंने तो कोई प्रॉब्लम है नहीं थानू ही प्रॉब्लम लगती है जबकि वो भी साढ़े नाल मोढ़ा मोढ़ा ला के खड़े होन और मतलब ये अपनी आवाज़ चक्कन और सरकार नुकसान सब तो ज़्यादा किन होएगा मैं ये होर एक नुकसान होएगा सर 1 जून पोर्टल बंद किया कहें 7 तरीक नूं चालू कर देंगे 7 तरीक तो 17 जुलाई होगी जी पोर्टल का थोड़े को चलिया नहीं करके जी कॉमन मैन क्यों नहीं नुकसान होगा जी जुलाई तो बाद जी रिटर्न है वो पेनल्टी के ब्याज लग लगे 234 ए का ब्याज लगना जो करना कॉमन कितों पैसे भरूगा कोविड तो वैसे ही मरिया पाया जी करके कम है नहीं गा जी ब्याज कितों दे के करूगा जी सर तुम एक चीज़ समझो एक पोर्टल नवा लॉन्च कर दिता नवा लॉन्च करने तो बाद तुसी दसो कि आह नवी फैसिलिटियां दी हैं इतने प्रॉब्लम की आ रहा है सानू प्रोफेशनल दसना पैना कि आह प्रॉब्लम आ रही है हुण तुसी परसों चौथ तक ये हो रहा से करके 26 इस फॉर्म है जो टैक्स का फॉर्म है वो इंडिविजुअल का निकलता पाया सीगा जी जरा कोई फर्म हैगी है कोई HUF हैगी तो निकलता ही नहीं सीगा उन्होंने इन्फोसिस वाले दसिया जी करके फिर उन्होंने उस गलती ठीक की जी असी यह बेशुमार गलतियां है जिन्हें चलदियाँ पी हैं जब तक वो सही नहीं करेंगे तो काम कितना करेंगे जी ना कोई तुसी नोटिस का जवाब दे सकते हो ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म ला सकते हो जे नहीं लगाने तो टाइम बारिंग के पेनल्टी SSC को लगती है जी SSC को पेनल्टी लगती है SSC साढ़े को लगे चीका मारता जी तुम काम नहीं किया जी काम तो असं करेंगे जो पोर्टल चलूगा जी हूँ सरकार तो अभी बई बार बार हाथ जोड़ के बेनती करते हैं सर नहीं चलता तो ना जो गलती तो होगी होगी जी पुराना पोर्टल का चला दो काम तो करने शुरू करिए जी किनिया रिटर्ना गई हैं एक RTA की एप्लीकेशन लगी जी किसी ने कहता जी 1 लाख रिटर्ना भरी गई उस बंद ने कहा RTA मैं दसो कि रिटर्ना भरी गई CBDT कहती साढ़े को जवाब नहीं है जी CPC कहती सर को अकाउंट नहीं असं रखते ही नहीं जी करके ये कोई जवाब थोड़ी है जी करके सर तुम चाहते क्यों कॉमन मैन के कोलो जी तुम डिमोटेशन लाया GST लाया जी मैं कहना हर चीज़ सा वेलकम स्टैप अलाउड है जी करके पर एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एक फेस्ड वे न होना चाहिए कि साइमेंटेनियसली दोनों पोर्टल चलान एक पोर्टल सही चलूगा तो दूजा ऑटोमैटिकली शिफ्ट कर दो उत्तर सर कॉमन मैन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी करके जिदा ड्यू टैक्स पेबल बनता है वो किदा कड़ूगा जी अपना करके जी उन्हें रिटर्ना फाइल नहीं की जी 31 जुलाई तो बाद ब्याज डेट इन्होंने एक्सटेंड करती 30 सितंबर की 2 महीने की एक्सटेंशन देती पर नाल कहता थानू 234 ब्याज भी लगेगा जी तो नुकसान किता होगा कॉमन मैन दी कॉमन मैन की जेब हल्की होनी सानू कुछ नहीं जाना जी करके जी तुसी की मानते हो कि आप ये देते पहले वर्कआउट नहीं किया 100% सर देयर वाज नो वर्किंग सर तुसी एक चीज समझो कि कितना एस्टीमेट गलत सीगा 7 दिन का टाइम मंगया सी 7 दिन से नवा पोर्टल चला देंगे वो अज 17 जुलाई होगी 47 दिन उपर हो गए जी करके तो पोर्टल अज तक नहीं चल रहा जी करके थैंक यू सो मच जी ये मैं एक चीज़ होर एड ऑन करना चाहूँगा कि जी मैं अगे फ्यूचर प्रॉब्लम दसी है कि साढ़े सारे प्रोफेसनल के ऑफिस में एटलीस्ट 40-50% स्टाफ जोड़ा है वो लड़कियों का होता है हूँ जदों ये पोर्टल जदों भी लॉन्च होएगा 1-1.5 महीने बाद उस तो बाद टाइम इन्होंने शॉर्ट देना है लड़कियाँ की 5-6 बजे बाद कितने काम कर दें या कितने मतलब प्रॉपर कर पाया ने वो प्रॉब्लम अलग साढ़े लोगों से स्ट्रैस आ जाना कि रिटर्न फाइल करो काम उत्थे इन्ना होना है पोर्टल जो है बहुत शॉर्ट टाइम लगना है वो तो रिटर्न फाइल करवा तो सरकार नाल ये रिक्वेस्ट है कि भी मतलब डेट प्रॉपर तरीके नाल पहला ही मतलब इन्नी वधा देन कि भी कंफर्टेबली काम हो सके तुसीं नुकसान की गल की जे आप रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं जो कि एक रिटर्न की डेट हैगी सी दो तरह की लगते जी वो पेनल्टी जी है एक तो इंट्रस्ट लगता है रिटर्न लेट फाइल करने वास्ते एक इंट्रस्ट लगता है कि टैक्स बंदे नूं उदों पता चलता कि मेरा इन्ना टैक्स बनता पाया उहदे ते लगता है ठीक है जी दोनों टैक्स लगते हैं सरकार ने हुण डेट 1-2 महीने तक वधा दित्ती है वो तो माफ़ हो जाएगा पर दूजा जो इंट्रस्ट हैगा वो लगेगा जो कि वो टैक्स लेट जमा कराते जो चीज़ है हुण इहदे दसो कि कॉमन मैन का बंदे का की कसूर है वह पोर्टल चलता होवे रिटर्न बन जाए उन्हें पता चले मेरा कितना टैक्स है मैं जमा करावा वो ब्याज नूं देना पएगा अपने आप से तो सरकार कोई लॉस लेंदी नहीं सारा लॉस जनता का और सिर्फ टैक्स या वो इंट्रस्ट का लॉस नहीं है जी मैं पहला भी कहा है ये जरा टाइम वेस्ट हो रहा है प्रोफेसनल्स का
ਉਹ ਲੋਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਸ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੈਨ ਆਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪਸ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਿਸਾਬ ਸੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਾਈ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।